न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी के गांव खिजूरी निवासी एक अधिवक्ता के साथ मारपीट किए जाने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने आज वर्क सस्पेंड रख जोरदार रोष जताया। अधिवक्ताओं ने जिला बार प्रधान सौरभ राव की अगुवाई में एकत्रित होकर रोष जताया और धारवाड़ा थाना के तत्कालीन एसएचओ के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। हालांकि पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन द्वारा धारवाड़ा थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह को लाइन हाजिर किया जा चुका है, लेकिन अधिवक्ता कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। अधिवक्ताओं के मुताबिक गांव खिजूरी निवासी एडवोकेट मुकेश कुमार 14 जुलाई को गांव के ही पास खड़े हुए थे। इसी दौरान वहां धारवाड़ा थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह पहुंचे और अधिवक्ता के साथ बदसलूकी करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। मुकेश का आरोप है कि इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की। उन्होंने थाना प्रभारी पर थप्पड़ मारने का भी आरोप लगाया। घटना के बाद जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने एसपी दीपक सहारन से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई न होने पर जिला बार एसोसिएशन ने एक बैठक कर वर्क सस्पेंड रखने की घोषणा कर दी। अब एसएचओ के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अधिवक्ताओं ने विरोध जताते हुए वर्क सस्पेंड कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यहां आपको बता दें कि वकीलों के वर्क सस्पेंड पर चले जाने से अदालत का कामकाज प्रभावित हो रहा है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, हम इसको लेके आईजी साहब से मिले। आईजी साहब ने भी जो है इसको केस के लिए ट्रांसफर कर दिया महेंद्रगढ़ एसपी के लिए, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं कर रहे हैं, ना उसको अभी तक सस्पेंड किया, मात्र एक लाइन हाजिर कराया उसको। कोई जब तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, हमारी मांग यही, हम यहीं तक कटे रहेंगे, हमारी वर्क सस्पेंड चलता रहेगा। का कोई बहुत लंबा प्रोसेस होता है जी, इस्तगासा में पहले समनिंग करानी पड़ती है, उसके बाद और जो मेटेरियल विटनेस है उनको हमें तलब करना पड़ेगा, जो हमने एप्लीकेशन दी उसकी वेरिफिकेशन के लिए एसपी ऑफिस से बुलाया जाएगा। हमारा मकसद ही यही है कि अगर हम लोग परेशान हो रहे हैं, आप तुरंत क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, इसको टाले जा रहे। अगर यही किसी आम आदमी के साथ ये घटना हुई होती तो क्या अब तक इस्तगासा नहीं होता, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में साफ आ रहा है कि वो उसके थप्पड़ मार रहा है, उसके साथ बदतमीजी उसको गाड़ी से बाहर खींच के जबरदस्ती जीप में धक्का दे रहा है, ये साफ आ रहा है इसके अंदर, और फिर भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हमें तो मजबूरन होकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। देखिए, इससे लोगों को कहना कि आम आदमी परेशान हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो वकीलों का हो रहा है। जब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम इसी सस्पेंड पे रहेंगे। हमारा ये धरना चल रहा है, ये हमारे वकील साथी के साथ जिस प्रकार की जो घटना हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। असल में पुलिस का जो जिम्मेदारी बनती है, उनकी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस आज अपनी जिम्मेवारी से भटक रही है। उनका काम जो पुलिस प्रशासन को दुरुस्त ना करके, कानून व्यवस्था को दुरुस्त ना करके, वो अपराधियों की शरणस्थली बनी हुई है। आप देखिए, कहीं भी थाना चौकियों में अगर जाते हैं तो वहां पर आम व्यक्ति कम, अपराधी किस्म के व्यक्ति ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन पुलिस कर्मियों के चाटुकार बने हुए थे, उन्हीं से ही उनको सब कुछ लेना देना होता है। लेकिन जहां पर हमारे वकील साथी जो एक तरफ तो लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, आज उन्हीं के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार किए गए हैं, जबकि उनको ये पता था कि ये एक वकील है और वकील एक समाज का एक जागरूक व्यक्ति है। और इस प्रकार की जो घटना है, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एसएचओ साहब को इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए था। आज आप खुद देखिए देश और प्रदेश की हालात क्या हुई है, मणिपुर में क्या हालात बने हुए हैं, वहां पर भी कानून व्यवस्था। आज हम बार बार, हमारे जो सरकार है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसमें विफल है, कहीं पर भी कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रही। मणिपुर के हालात आप देखिए क्या हुआ, वहां पर जिस प्रकार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके साथ अत्याचार नहीं हो रहे, लोग इसके खिलाफ खूब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, वो पूरी तरह से आंखें बंद करके कानों को हाथ लगा के बैठे हैं। इस चीज पर हम इनका ये मांग भी करते हैं कि हमारे जो वकील साथी बैठे हैं, इनकी मांग यही है कि संबंधित एसएचओ के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज की जाए और सरकार को इन चीजों पर संज्ञान लेते हुए जो कानून व्यवस्था को जो दुरुस्त करने की जो जिम्मेवारी है उसका पूर्ण तरह से निर्वहन करे। क्या नाम है आपका? मैं अंजू मोरवाल, एडवोकेट रेवाड़ी कोर्ट से हूँ। और जो इन्होंने जो किया है बहुत ही इलीगल है, बिकॉज एडवोकेट जो होते हैं, एडवोकेट्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और उनके खिलाफ अगर उनके खिलाफ इस तरह से काम होंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा कि भाई वकीलों के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या कोऑपरेट करेगा समाज जो हमारा
और बाकी सब। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आगे जो अधिकारी हैं वो इनको ऐसे कर्मचारियों को जो है सस्पेंड कर देना चाहिए जो इस तरह की इलीगल काम करें। धन्यवाद। मणिपुर में जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है, मैं कहूँगी, क्योंकि ये जो महिला के साथ हो रहा है बहुत ही एक तरफ से इलीगल है। और आई थिंक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको भी जो है उनके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लेना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एंड लीगल, ताकि आइंदा महिलाओं के खिलाफ कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो और उनको समाज में एक अच्छी नजरों से देखा जाए। जिस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में सभी वकील साहिबान हड़ताल पर बैठे हैं और ये हड़ताल अनिश्चित काल है, जब तक उस SHO को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। और जो ASP श्रीमती धारणा यादव जी ने भी मिसबिहेव किया है, कहा है कि अधिवक्ताओं से कि जो भी आप करना चाहो करिए, तो वो माफी ना मांगे अधिवक्ता साथियों से आके, उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो जब उस SHO को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके बाद ही हम इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करेंगे। और इसी प्रकार से वकील अपनी एकता के साथ डटे रहेंगे, उन दुष्टों के खिलाफ दुष्टी कहेंगे, क्योंकि रक्षक ही भक्षक हो गए। जिनको हम रक्षक मानते हैं, अगर वही भक्षक हो गए तो कैसे चलेगा ये शासन और प्रशासन। ये देखिए कि जिस प्रकार शिवरात्रि की रात्रि थी तो हमारे वकील साथी कुछ सेवा कर रहे थे कावड़ शिविर में, और जिस प्रकार से वो खजूरी गांव के सरपंच भी रहे, और जब SHO प्रहलाद आया तो उसने ये कहा कि भाई आप कैसे यहाँ पर आवारागर्दी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम केवल शिविर में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, जिस प्रकार से भोजन की है, जल की है। तो सीधा उनको उन्होंने दो थप्पड़ मारे, और जब उन्होंने कहा कि मैं फलाने गांव का सरपंच हूं और अधिवक्ता भी हूं, उसके बाद दो थप्पड़ और मारे और उनको गाड़ी से खींचकर उनको जबरन गाड़ी में डाला। तो ये घटनाक्रम रही। इसके बाद हम SP